अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान मियां सनी और आप देख रहे हैं एस एन एन न्यूज। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ का पावर शो हिट रहा या फ्लॉप, मुराद सईद की एंट्री और साबिक वजीर की इंकशाफात पर चीफ जस्टिस मुलाजमत में तोसी ले रहे हैं या नहीं, काजी फायज ईसा ने राणा सनाउल्लाह को क्यों बुला लिया, अली अमीन गंडापुर की धमकी पर हुकूमत का जवाब आ गया। ब्लॉग पर जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम खबरें आप जान सकें। संडे तो गुजर गया लेकिन सियासी माहौल फिर गर्मा गर्म। तहरीक इंसाफ के पावर शो के बाद नई बहस शुरू हो गई। सबसे पहले बात करेंगे चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की, जिस पर जस्टिस काजी फायज का बयान भी सामने आ गया है और उन्होंने अपनी राय बता दी है। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खताब के बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। सहाफी ने सवाल किया, क्या राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी गई तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं? इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, राणा सनाउल्लाह को मेरे पास ले आए, एक मीटिंग हुई थी जिसमें वजीर कानून आजम तारर, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटारनी जनरल मौजूद थे। इस मीटिंग में राणा सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। बताया गया तमाम चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं, इसमें क्या बाकियों की कर देंगे? मैंने कहा बाकियों की कर दें, मैं सिर्फ अपने लिए कबूल नहीं करूँगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं। अच्छा, ये तो चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हुकूमत का अब भी ये प्लान चल रहा है जिसमें अदलिया से मुतल्लिक जल्द कानून साजी की जाएगी और ये एक खबर भी दे रहा हूं कि इसके लिए उनके नंबर भी पूरे हैं। अब तो खैर फैसल वाडा साहब ने भी ये बता दिया है कि कानून बदलने के लिए नंबर पूरे हो जाएंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कानून में तब्दीली करनी पड़ी तो करेंगे, आइन और कानून बदलना पार्लियामान का काम है। फैसल वाडा ने मजीद इशारा दिया कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए असम्बली में जो भी फैसला करेंगे कानून साजी उसी के मुताबिक होगी, ये बात सब याद रख लें। अब बात हो जाए तहरीक इंसाफ के जलसे की, जिसमें वजीर आला के अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को खुली धमकी दी कि इमरान खान को दो हफ्ते में रहा कर दो वरना वो खुद जेल जाकर उन्हें निकाल लेंगे। आपको एक और भी खबर देता जाऊं, ये शहर इकदार में ये बातें और ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि अली अमीन गंडापुर के बतौरे वजीर आला के भी दिन गिने जा चुके हैं और ऐसा होना नजर अभी आ रहा है क्योंकि उनके खिलाफ केस भी खुल गए हैं और वारंट भी निकल आए हैं। गवर्नर केपीके के इत्माद का वोट लेने का भी मुतालबा कर चुके हैं। ऊपर से जैसे लहजा उनका जैसे भी था और जलसे में आपने उनको गुस्से में भी देखा कि वो ये कोई गुस्सा है या कोई परेशानी है, इस कदर आगे बढ़ गए हैं क्योंकि वैसे तो ये सुनने में आ रहा है कि सरकार में जो सरकारी मीटिंग होती है उनमें अली अमीन गंडापुर का रवैया कुछ और होता है और जलसों में रवैया कुछ और नजर आता है। खैर, अब आगे सियासत मजीद गर्म होने वाली है और ये बात तय है, बाकी उनके साथ क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा और आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को चैलेंज करते हुए कहा कि 15 दिन में इमरान खान को रहा करा कर दिखाओ। उन्होंने कहा अली अमीन की तरफ से बांग्लादेश का हवाला दिया गया है और पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी दे दी गई है। तो ये तो बड़ी इस वक्त बहस जो हो रही है गर्मा गर्म, ये बात देखिए आगे क्या होता है। समझ रहे हैं ना कि आप के अब हालात किस तरफ जा रहे हैं और क्या क्या होने वाला है। अब आखिर में हम बात करेंगे जलसे के हिट या फ्लॉप होने की, तो इस हवाले से कितने लोग आए और क्या रुकावटें खड़ी की गई। आप सब जानते हैं कि इंतजामिया ने पीटीआई को शराइत पर जलसा करने की इजाज़त दी, लेकिन उसके बाद इस्लामाबाद पूरी तरह कंटेनर सिटी बन गया था। समझ नहीं आई जब इजाज़त दे दी गई थी तो रुकावटें खड़ी करने की ज़रूरत क्या थी। सुनने में ये भी आ रहा है कि अहम हलके जलसे की इजाज़त देने को तैयार नहीं थे और फिर शेलिंग से भी अंदाज़ा हो गया कि तहरीक इंसाफ को स्पेस देने का कोई इरादा नहीं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि आवाम पहुँची थी, लेकिन सवाल यह है कि इस इन्हें हिट ग्राउंड कहेंगे या फिर फ्लॉप कहेंगे, फैसला आपने करना है। अगर आप तहरीक इंसाफ की साइड पर बैठे हों तो जलसा आपको बड़ा लगेगा, और अगर आप दूसरी तरफ बैठे हैं तो माजी के जलसों की तरह मुकाबला करें तो ये जलसा आपको कुछ भी नहीं लगेगा, छोटी सी जलसी लगेगी। जलसे के नंबर्स पर बात करें तो इन हालात में तहरीक इंसाफ
ने अच्छा शो किया है। रुकावटें ना होती तो पीटीआई मजीद बेहतर जलसा कर सकती थी। इमरान खान का ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन ये फ्लॉप जलसा नहीं था। मगर जैसा मैंने कहा कि मसाइल थे तो बहुत आइडियल भी नहीं था। जलसे में एक बात अहम ये भी थी कि मुराद सईद भी काफ़ी अरसे बाद मंजरेआम पर आए और उन्होंने भी वीडियो पैगाम दिया। वो कहाँ थे और पार्टी रहनुमा उनसे रबते में थे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वैसे मुराद सईद के हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि वो कहाँ छुपे हुए थे, लेकिन इस पर आने वाले वक्त में बात होगी। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मजीद अहम खबरों के लिए हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।